स्पीशीज़ के स्टडी प्लेटफॉर्म पे आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। तो जैसा कि आप सभी को मालूम है कि इस प्लेटफॉर्म पे घटनाचक्र पॉलिटी की एक सीरीज स्टार्ट हुई थी, जिसमें हम लोगों ने भाग 6 तक कंप्लीट कर लिया है। और भाग 6 तक में हम लोगों ने बहुत सारे टॉपिक्स और बहुत सारे आर्टिकल्स डिस्कस किए हैं। तो आप आई होप कि आपने उन सारे टॉपिक्स को कवर करके प्रॉपर नोट्स बना लिए होंगे और उनसे रिलेटेड जो भी PYQs हैं या मॉक्स हैं उसको भी सॉल्व कर लिए होंगे। तो चलिए, आज का जो हमारा नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है वो है केंद्र राज्य संबंध। ठीक, तो केंद्र राज्य संबंध की अगर हम लोग बात करें तो ये जो संबंध है इसमें तीन प्रकार के संबंध होते हैं। केंद्र और राज्य के बीच में तीन प्रकार के संबंधों की बात की गई है। पहला होता है विधायी संबंध, दूसरा होता है प्रशासनिक संबंध और तीसरा होता है वित्तीय संबंध। ठीक, इसको पढ़ने के बाद या इसको पढ़ने के टाइम पे ही आप लोग अपने जो भाग जो आपने पढ़ा था ना संविधान के भाग, उसकी नोट्स को अगर आपने बनाया होगा तो उसको ओपन कर लीजिएगा और उसमें देखिएगा कि किस भाग में केंद्र राज्य संबंध की बात की गई है। ठीक, तो इसमें तीन संबंध हैं। पहला जो है वो है विधायी संबंध आर्टिकल 245 से 255, दूसरा प्रशासनिक संबंध आर्टिकल 256 से 263 और लास्ट है वित्तीय संबंध आर्टिकल 263 से 281। तो इसको हम लोग दो पार्ट में पढ़ेंगे। पहले पार्ट में हम लोग विधायी संबंध को कवर करेंगे और दूसरे पार्ट में हम लोग किसको कवर करेंगे, दूसरे पार्ट में हम लोग प्रशासनिक संबंध और वित्तीय संबंध को कवर करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्या है हमारा, विधायी संबंध। तो विधायी संबंध की जो व्याख्या की गई है वो व्याख्या है आर्टिकल 245 से 255 तक। ठीक, तो एक एक करके हम लोग सारे आर्टिकल्स को डिस्कस करेंगे। ये आर्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा और अगर इसको करने के बाद आप क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपका ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आर्टिकल 245 ये कहता है कि संसद भारत के संपूर्ण राज्य क्षेत्र या उसके किसी भाग के लिए विधि बना सकेगी। ठीक, अगर संसद की बात करेंगे तो वो किसके लिए, भारत के लिए, और अगर विधानमंडल की बात करेंगे तो वो संपूर्ण राज्य या उसके किसी भाग के लिए, मतलब दोनों को अधिकार दिया गया है। संसद को भी अधिकार दिया गया है, राज्य विधानमंडल को भी अधिकार दिया गया है कि संसद भारत के संपूर्ण राज्य क्षेत्र में और राज्य संपूर्ण राज्य या उसके किसी भाग में विधि बना सकती है। किसके तहत कहा गया है, आर्टिकल 245। ठीक, फिर आर्टिकल 246, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट, इसमें केंद्र राज्य संबंधों के बीच में शक्तियों का बंटवारा किया गया है। ठीक, विधायी शक्तियों का, तो तीन प्रकार से बंटवारा किया गया है। इसको हम लोगों ने कौन सी अनुसूची में पढ़ा था इसको आप लोग बताइएगा। ठीक, ये जाके खुद रिवीजन कर लीजिएगा। ठीक, किस अनुसूची में हम लोगों ने इसकी बात की थी, तो एक संघ सूची, एक राज्य सूची और एक संवर्ती सूची। ठीक, तीन विधायी शक्तियों का बंटवारा तीन रूप से किया गया है। ठीक, तो संघ सूची वो संघ सूची के अंतर्गत उन विषयों को शामिल किया गया है जिन पर कानून बनाने का अधिकार सिर्फ और सिर्फ संसद को है। राज्य सूची में उन विषयों को शामिल किया गया है जिन पर कानून बनाने का अधिकार राज्य विधानमंडल को है, और संवर्ती सूची में उन विषयों को शामिल किया गया है जिस पे कानून बनाने का अधिकार संसद को भी है, राज्य को भी है। लेकिन मान लीजिए अगर दोनों ने कानून बनाए और दोनों के कानून में विरोध उत्पन्न हो गया, ठीक, तो संसद द्वारा जो कानून बनाया गया है वो प्रभावी होगा, वो लागू हो जाएगा। ठीक, अच्छा, इसका एक इससे रिलेटेड एक और आप लोगों को फैक्ट यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो ये शक्तियों का विभाजन है ये किस योजना पर आधारित है, तो भारत सरकार अधिनियम 1935। ठीक, अब इसको जाके आप लोग एक बार रिवाइज कर लीजिएगा। देखिए, जब आप लोग कुछ आगे चैप्टर्स पढ़ा करिए, ठीक, और अगर आपको पीछे के चैप्टर्स का कुछ भी कोई आर्टिकल दिख गया या कोई अनुसूची दिख गई, कोई भाग दिख गया, कोई पॉइंट दिख गया, तो उसको जाके आप लोग तुरंत रिवाइज कर लिया करिए। और जब उसको रिवाइज किया करिए तो बस एक बार आप लोग पूरा चैप्टर, मतलब जैसे आप मान लीजिए यही वाला चैप्टर पढ़ने जाएंगे तो आप क्या करिएगा, जो आपकी क्लास 1 है और क्लास 2 है उसको रिवाइज़ कर लीजिएगा एक बार। ठीक, तो आपका क्या हो जाएगा, फिर से रिवीजन हो जाएगा। ऐसे जब आप इसको देखने जाएंगे, ये संघ सूची राज्य सूची, ठीक, तो आप क्या करिएगा, अनुसूचियों को रिवाइज़ कर लीजिएगा। ठीक, तो इससे आपका रिवीजन मल्टीपल टाइम्स होता रहेगा। ठीक, और आपको टाइम भी कम लगेगा। चलिए, तो हम लोग क्या बात कर रहे थे, हम लोग बात कर रहे थे सूचियों की। अब देखिए, संघ सूची में मूलतः तो कितने होने थे, 97, लेकिन वर्तमान में कितने हैं, सब्जेक्ट कितने विषय हैं, 100। राज्य सूची में मूलतः 66 थे, वर्तमान में 61, और संवर्ती सूची में मूलतः 47 और वर्तमान में 52। अब ये कुछ इंपॉर्टेंट यहाँ पे सब्जेक्ट्स हैं, इनको देख लीजिए। कौन कौन है संघ सूची में, रक्षा, युद्ध,
विदेशी मामले, जनगणना, रेल, वायु, जल परिवहन और सीमा शुल्क। ठीक, कुछ और भी है इम्पोर्टेंट, जैसे अब मान लीजिए आपसे पूछा जाए कि अंतर्राष्ट्रीय संधि किस सब्जेक्ट में है, किस सूची में है, तो ये आप बता लेंगे। ठीक, लेकिन आपको जनगणना में कन्फ्यूजन हो सकता है, ठीक है, परिवहन में कन्फ्यूजन हो सकता है, शुल्क में कन्फ्यूजन, तो जिस जिस चीज़ में आपको कन्फ्यूजन हो सकता है वो मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया है। ठीक, बाकी चीज़ें, विदेशी ऋण हो गया, तो विदेशी ऋण भी किसकी, किसका मामला है, किसका सब्जेक्ट है ये, संघ सूची का। ठीक, अब राज्य सूची की बात करते हैं, तो राज्य सूची में क्या क्या है, कृषि हो गई, पुलिस, लोक स्वास्थ्य, लोक व्यवस्था, स्थानीय शासन, सिंचाई। ठीक, इसके अलावा क्रय विक्रय, ये सारी चीज़ें किसके अंतर्गत आ जाएंगी, राज्य सूची के। ठीक, समवर्ती सूची की अगर बात करें तो समवर्ती सूची में परिवार नियोजन, ठीक है, वन, ये सब चीज़ें काफ़ी बार पूछी गई है। ठीक, देखिए कौन कौन सी चीज़ें पूछी गई है, अगर आप लोग PYQ लगाएंगे तो पता चलेगा आपको, ये पूछा गया है, ये पूछा गया है, ये ठीक, इसको ये, ठीक, जिस चीज़ में आप कंफ्यूज हो सकते हैं आपसे वही चीज़ पूछी जाएगी। ठीक, तो इसलिए आप लोग इनको याद रखिएगा, ध्यान रखिएगा। ठीक है, अच्छा, यहाँ पे एक और पॉइंट जिसमें मैंने ऐड नहीं किया लेकिन मैं आपको ये बताऊँगी कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो था 1976, इसके द्वारा किसको किसको, इस एक्ट, इसको याद रखिएगा, ठीक है, 42वां संविधान संशोधन 1976, ठीक है, 42वां संविधान संशोधन 42वां संविधान संशोधन 1976 में किसको किसको, वन, शिक्षा, जनसंख्या नियंत्रण, परिवार नियोजन, ठीक है, इन सबको समवर्ती सूची में डाल दिया गया। ठीक, पहले ये राज्य सूची के पार्ट रहे होंगे। ठीक, तो 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1976 में इन सारे विषयों को समवर्ती सूची में शामिल कर दिया गया है। ठीक, इन सूचियों को ध्यान रखिएगा। इसके अलावा एक और सूची है, एक और सूची होती है, उस सूची में ऐसे विषय होते हैं जो ना तो संघ सूची में होंगे, ना तो राज्य सूची में होंगे, ना तो समवर्ती सूची में होंगे। ठीक, जो विषय मान लीजिए जो बाद में ऐड होते हैं, ठीक है, जो विषय बाद में ऐड होते हैं और इन तीनों सूचियों में शामिल नहीं होते हैं उनको क्या कह दिया जाता है, अवशिष्ट सूची। ठीक, तो इस पे कानून बनाने का अधिकार किसको दिया गया है, संसद को। तो इसका मतलब अगर आपसे पूछा जाएगा कि अवशिष्ट सूची या ऐसे विषय जो इन तीनों सूचियों में नहीं हैं उन पर कानून बनाने का अधिकार किसको दिया गया है, तो संसद को। कौन सा आर्टिकल है, 248। ठीक, तो 246 के साथ ही आप 248 को कनेक्ट करके पढ़ लीजिएगा जिससे आपको ये याद रहेगा। अब चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं आर्टिकल, अब यहाँ से यहाँ तक हमें पूरा पढ़ना है। हम लोग 245 हो गया, 246 हो गया, 248 हो गया, अब 247। इसमें क्या है, संसद जो है कुछ अतिरिक्त न्यायालयों की स्थापना कर सकती है। मान लीजिए बहुत ज़्यादा काम हो गया, ठीक है, अतिरिक्त न्यायालयों की ज़रूरत है तो कौन स्थापना कर सकता है, संसद। ठीक, फिर आर्टिकल 248 हो गया, अब 249 क्या कहता है कि राष्ट्रहित में, ठीक, राष्ट्रहित में राज्य सूची से संबंधित किसी मामले में संसद जो है वो कानून बना सकती है। मतलब सूची राज्य का है लेकिन हित राष्ट्र का है, पूरे राष्ट्र का हित उसमें है, ठीक, उस सूची में है, समाहित है पूरे राष्ट्र का हित, तो उस पर कानून कौन बनाएगा, संसद। ठीक, फिर नेक्स्ट 250, ये सब हम लोग डिस्कस कर चुके हैं पहले। ठीक, तो अब इसको आप रिवाइज करने जब वहाँ जाइएगा तो उस चैप्टर को बस एक बार पढ़ लीजिएगा, ठीक है। अब 250 क्या है, आपातकाल की स्थिति में राज्य सूची पर संसद के कानून बनाने की शक्ति। मतलब आपातकाल की स्थिति में, चाहे वो राष्ट्रीय आपात हो चाहे राष्ट्रपति शासन हो, दोनों स्थिति में राज्य सूची पर कानून बनाने का अधिकार किसको मिल जाता है, संसद को। फिर नेक्स्ट है हमारा आर्टिकल 251, ये क्या कहता है, यदि संसद द्वारा और राज्य विधानमंडल द्वारा बनाए गए विधियों में, ये बता चुकी हूँ मैं पहले कि अगर दोनों नियम बना रहे हैं, ठीक, उसमें हम लोगों ने समवर्ती सूची में बात की थी, लेकिन आर्टिकल 251 ये भी कहता है, मतलब 251 भी ये कहता है कि संसद ने कोई विधि बनाई और राज्य विधानमंडल ने कोई विधि बनाई और दोनों में कॉन्फ्लिक्ट हो गया, ठीक है, विरोध हो गया, तो फिर किसकी किसकी विधि को मान्यता मिलेगी, संसद वाली विधि को।
ठीक है। फिर है नेक्स्ट आर्टिकल 252, इसमें ये कहा गया है, इसको भी हम लोग पढ़ चुके हैं, दो या दो से अधिक राज्यों की सहमति के बाद संसद जो है वो कानून बना सकती है। मतलब अगर दो या दो से अधिक राज्य दो तिहाई बहुमत से विशेष प्रस्ताव पारित कर दें, ठीक है, कि इस विषय पर जो कानून है वो कौन बनाए, संसद, तो संसद कानून बना सकती है, ठीक। फिर नेक्स्ट लास्ट है हमारा 253, इसमें क्या कहा गया है, इसमें कहा गया है कि किसी अन्य देश, किसी अन्य देश के साथ या देशों के साथ कोई संधि करनी हो, कोई समझौता करना हो, कोई सम्मेलन करना हो, कोई क्रियान्वयन करना, मतलब इन सब का क्रियान्वयन करना हो, तो उसके लिए भारत के संपूर्ण राज्य क्षेत्र या उसके किसी एक भाग के लिए विधि बनाने की शक्ति किसको दी गई है, संसद को, ठीक। ये टॉपिक मैंने बता दिया, ये टॉपिक बता दिया मैंने कि राष्ट्रीय आपात के साथ साथ राष्ट्रपति शासन के समय भी राज्य सूची पर कानून बनाने का अधिकार किसको दिया गया है, संसद को, ठीक। एक और इम्पॉर्टेंट आर्टिकल आप लोग देख लीजिए, ये भी कई बार पूछा गया है, ठीक, आर्टिकल 246A या 246 का, ये संबंधित है GST से, ठीक है, GST से कौन सा संशोधन है, 101 संविधान संशोधन 2016। तो ये थी आपकी आज की विधायी शक्ति। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग प्रशासनिक और वित्तीय शक्ति को कंप्लीट कर लेंगे, तब तक इसको आप लोग अच्छे से क्लास देखिए, नोट्स बनाइए, रिवाइज करिए और प्रैक्टिस करिए। थैंक यू।